खबर देखने से पहले इस चैनल को यहाँ क्लिक कर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर सभी खबरें सबसे पहले पाए। दिलदार लड़का है, उसको बहुत आगे लेके आना है, उसको बहुत अच्छा लाइन दिखा दिए, उसको बहुत अच्छे से काम करना है। इसके लिए एक काम किया हम लोग, ये बहुत सब लोग का दुआ से अच्छा होना चाहिए। पर्सन हमारा एक ब्रदर है, फैमिली रिलेशन है उसका, साथ में उसका फैमिली के साथ में उसके मम्मी पापा सब लोग, हम लोग एक फैमिली है। इसके लिए वो बॉम्बे आए हैं, फिर मैं बहुत देर हो गया उसको मिलने के लिए, उसके बाद हम सोचा उसके लिए ये काम कर रहा है, इधर आया देखा, फिर हम उसको हेल्प करते हैं, फिर ये प्रोडीप हम लोग ये सब। मैं उनका माँ का बात, माँ बाप का बात, एक ब्रदर है, सब कुछ मैं ही ऐसा बोलते रहते हैं। पॉल्सन को मैं लगभग 10 सालों से जानता हूँ, एंड पॉल्सन और मेरी दोस्ती तब से है जब मैं और पॉल्सन बैंगलोर में थे। सो आई नो फ्रॉम आई थिंक 2007 समवेयर। उसके बाद जर्नी वहाँ से, मैं कुछ टाइम पहले मुंबई आया, उसके बाद पॉल्सन आया। बट पॉल्सन ने जो अपने आप को ग्रूम किया है जब वो बेंगलोर में था, दैट टाइम केरला का एक गांव से एक लड़का आया और बहुत अच्छा डांसर, बहुत कॉन्फिडेंट इन डांस, वेरी गुड बाय हार्ट। एंड बट जब मुंबई आया तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज उसने फेस की। DID के मंच से उसे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, बट अगेन कुछ कारणों से उसे जल्दी निकलना पड़ा। एंड उसकी हिंदी इंग्लिश का बड़ा प्रॉब्लम था, एंड मिसिंदा भी बड़ी उसकी टांग खींचते थे उस पर। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पॉल्सन ने उस चीज़ को इम्प्रूव किया, उसकी लैंग्वेज को बहुत इम्प्रूव किया। उसमें कुछ कमियां थी, जैसे वो जल्दी से मिंगल अप नहीं हो पाता था, और जिसे कहते हैं ना कि आपको एडजस्ट करना, लोगों के साथ बातचीत करना, कैसे कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था उसके लिए। बट ही मैनेज दैट, एंड फाइनली आई एम वेरी हैप्पी कि आज पॉल्सन ने एक म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट किया है, कोरियोग्राफी उसने की है, और ये डाइविन जो है ये बहुत ही आई थिंक हटके होने वाला, बिकॉज पॉल्सन ने मुझे इसके बारे में बताया था थोड़ा सा, बट मैं उस वक्त अवेलेबल नहीं था। He told me कि फाइनल में अब देखने को मिलेगा, भाई प्लीज आ जाना। सो हियर आई एम एंड वी बोथ आर हियर टू वेरी एक्साइटेड टू सी यू डाइव, कांग्रेचुलेट हिम फॉर यू नो टू रीच द प्लेस वेयर दे आर राइट नाउ। सो इट डजंट मैटर एनी मोर, यू नो पीपल दे कीप टॉकिंग, व्हेन दे डोंट गेट वर्क दे टॉक अबाउट नेपोटिज्म, बट एक्चुअली व्हेन यू डू हार्ड वर्क, येस एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज। लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने और करण ने स्पेशली पॉल्सन को ज्वाइन किया कि हम दोनों सीखें। हम लोगों ने तीन महीने क्लासेस ली, बट तीन हफ्ते में ही नहीं, ज़्यादा नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ स्केड्यूल। एंड बट आई एम वेरी हैप्पी कि पॉल्सन ने अपना एक डांस स्टूडियो खोल लिया है और ही इज डायरेक्टेड दिस वीडियो एल्बम, और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है उससे। मेरे गुरुजी के लिए जो तोहफा है, तो मतलब वो तोहफा मैं क्या दूँ, कैसे दूँ, मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि हम तो है छोटी शहर से, तो हमें पता नहीं कि उनको किस तरह मैं कुछ तोहफा दूँ। तो उसको ढूंढते मतलब कि आफ्टर डांसिंग द डांस, जैसे डांसिंग द डांस के बाद, तब से उन्होंने बहुत मेहनत किया मुझे यहाँ तक आने के लिए, उनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीख लिया। तो मुझे उनको जो तोहफा देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं था, तो मैंने उसके लिए इंतज़ार किया, प्रार्थना किया, प्रे किया, तो उसके बाद मुझे गिरीश भाई मिला, मेरा प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर से ज़्यादा मतलब है कि प्रोड्यूसर तो मतलब बाद में आता है, इज माय लाइक माय बिग ब्रदर एंड आफ्टर माय मॉम डैड, मतलब है कि कोई है कि मुझे यहाँ पे
मेरा सब चीज देखने के लिए कि मेरे मम्मी पूछते है कि तू खाना खाएगा किधर है क्या है? तो ये मेरा हर चीज देखता है यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि मुझे, मैंने बोला कि मेरे गुरु को कुछ तो देना है, मुझे ऐसा एक प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट मुझे करना है, तो वो प्रोजेक्ट करके मुझे उनको तोहफा देना है। तो इन्होंने मेरे को साथ दिया, इन्होंने बोला कि बेटा उसको उस चीज को जिस तरह तुझे करना है कर लो, और बस वही है कि डाइविन बन गए, अभी उसी का इंतजार है हमें। कोरियोग्राफर पॉलसन सर, ही मेड एवरीथिंग वेरी इजीयर, सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे टू पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। एक्साइटेड और नर्वस? नो, एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। दरिया बनाया गिरीश दादा को, पॉलसन भैया को। पॉलसन भैया से मेरा छह साल पहले का रिश्ता है। जब मैंने सबसे पहला इवेंट किया था तो आई वॉज मतलब मैं उनके लिए लाइव इवेंट किया था बैकग्राउंड स्कोर, और छः साल बाद मुझे ऐसा मतलब मौका मिला कि भैया के साथ मैं कुछ कर सकूं। और एक बहुत अचानक सा चीज़ था कि मतलब सबसे एक्साइटेड इस बात के लिए कि एक बहुत नया वे ऑफ म्यूजिक है, बहुत नया स्टाइल ऑफ म्यूजिक है जो भैया ने अग्री किया, उसके साथ वो चलना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या होता है इंडस्ट्री में एक पेटेंट चलता है, बट भैया ने एक फ्री फ्लो दिया कि आप जो करना करो। यही सबसे अच्छी बात है कि मुझे एक हिम्मत मिली है। थोड़ा बहुत नर्वस हर इंसान रहता है हर अपने प्रोजेक्ट को लेकर, बाकी खुशी इस बात की। ये मैं थैंक यू सो मच पॉलसन भाई को बोलना चाहूँगा और गिरीश दादा को बोलना चाहूँगा फॉर ऑलवेज बीइंग सपोर्टिव इन पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। कुड़िये तू क्यों है बड़ी बेमिसाल, उठे जहन में मेरे कई सवाल, तेरा लाख है कमाल, सिल्की सिल्की है बात, तू करे बड़ा सा बवाल। तूने बातें की चार, मैंने बातें की चार, अब करना आंखें विचार। तूने बातें की चार, मैंने बातें की चार, अब करना आंखें विचार। I wanna dive in, I wanna dive in, I wanna dive in, I wanna dive in. Thank you sir. बहुत excited है भाई, क्योंकि इसमें हमारा छोटा भाई अंकुर है, अंकुर ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, अंकुर ने गाया है, सो पॉलसन भाई ने डायरेक्ट किया, उन्होंने मौका दिया है। सबसे पहले सब पूरी टीम को बहुत बहुत बेस्ट विशेस के बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, जो डेडिकेट किया गया है वो हमारे इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर रामो डिसूजा जी हैं। सो बहुत बहुत बेस्ट विशेस, तो आई होप कि ये गाना धूम मचा दे। और इसमें हमारे एक और भी भाई हैं मानस के, जो उन्होंने रैप किया है, जर्मनी से हैं, काफ़ी अच्छे रैपर हैं वो,